सोलन शहरवासियों ने बजट को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बजट को पूंजीपतियों का बजट बताया और कहा कि बजट में मझोले व्यापारियों के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई है, जिससे छोटे व्यापारी बड़ी बड़ी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वहीं कुछ शहरवासियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो वायदे 2019 में किए थे, अगर वे वायदे सरकार पूरा करती है तो जनता को बेहद राहत मिलनी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों में भारी निराशा देखने को मिल रही है। वहीं कुछ व्यापारियों ने बजट की बेहद प्रशंसा की और कहा कि मोदी सरकार ने व्यापारियों का हमेशा ख्याल रखा है और इस बार भी उन्हें पेंशन देने की घोषणा की है, जो मामूली कदम नहीं है, इसलिए वे बजट को व्यापारियों के हित में मान रहे हैं। नूरपुर के कस्बा जसूर में नूरपुर के डीएसपी साहिल अरोड़ा द्वारा नई तकनीक द्वारा बिना हेलमेट पहने लोगों के चलान किए गए। साहिल अरोड़ा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नया प्रोसेस शुरू किया गया है। अब मोबाइल से ही चलान किए जाएंगे, जो कि पहले पेपर चलान होते थे, अब पेपरलेस चलान होंगे और मौके पर ही सारी डिटेल को लेकर मौके पर ही मोबाइल पर निपटा दिया जाएगा। अब ई चलान हो गया है, सब कुछ रिकॉर्ड में आ जाएगा, अब बचना बहुत मुश्किल हो गया है। कार्रवाई सख्त से सख्त हो रही है। मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत जितने भी रूप हैं, उनकी पालना की जाए, पालना न करने पर चलान किया जाएगा। लोगों को बार बार जागरूक किया जा रहा है, समय समय पर रोड सेफ्टी क्लब की बैठक लेते रहते हैं। ये हमारा नया प्रोसेस है जिसके तहत चलान किए जा रहे हैं। अगर बार बार कोई चलान होगा तो इनका जुर्माना बढ़ता रहेगा। कृषि उपज मंडी समिति बिलासपुर में चौकीदार का मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया है और चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए एक व्यक्ति का वीडियो सामने आया है, जो कि क्षेत्र में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चोरी करने वाली घटना के समय कार्यालय की तरफ जाता हुआ एक व्यक्ति नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी है और जो भी चोरी की वारदातें यहां पर हो रही हैं, उसमें जो व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है, उसका हाथ लगता है और पुलिस से गुजारिश की है कि इस व्यक्ति को पकड़ा जाए, ताकि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लग सके। चौकीदार ने बताया कि उसका मोबाइल 13,000 का था और जैसे वह टंकियों में पानी देखने के लिए ऊपर गया, उस समय उसका मोबाइल चोरी हो गया और उसी दौरान एक व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में ऑफिस की तरफ आता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने मांग की है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार करके मामले की छानबीन की जाए। मोदी सरकार के पहले बजट में पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल आने पर लोगों में गुस्सा है। हालांकि लोगों को इस बजट में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने की कतई भी उम्मीद नहीं थी, जिस कारण अब लोगों में केंद्र सरकार के प्रति गहरा रोष पनपा हुआ है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 से 2.5 रुपए तक का इजाफा हुआ है। हमीरपुर में कुछ लोगों से जानी इस पर उनकी राय। पेट्रोल पंप के संचालक का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होने पर अब पेट्रोल पंप मालिकों को भी घाटा उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले ग्राहक ज्यादा पेट्रोल डीजल भरवाते थे, वे कम पैसों में तेल डलवाएंगे। वहीं लोगों का कहना है कि मोदी सरकार से इस बजट में ऐसी कतई भी उम्मीद नहीं थी कि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होगी, इससे महंगाई और बढ़ेगी, जिससे आम जनता को परेशानी होगी। बुजुर्ग ने बताया कि तेल के दामों की बढ़ोतरी का पता नहीं था, लेकिन एकदम से ही 2 से 2.5 रुपए दाम बढ़ाना गलत है, क्योंकि इससे लोगों की रोजमर्रा की चीजें भी अब महंगी होंगी।